Hi guys, welcome back to Class of Planning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about annotation, the question that we guys have to do for NEG 02 British Drama. आपने कहा British Drama में question confirm आते हैं paper के अंदर जो हम सबको prepare करना है, and that is the very first question. So guys, you don't have any choice. You have to do this particular question. चाहे आता है नहीं आता, I don't care. Definitely nobody going to care because this will definitely come in a paper. तो अब हमें कैसे करना है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीजों को क्लियर करना होगा और क्यों ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है. And why people are used to say कि यार ब्रिटिश ड्रामा की बात करती तो आप किसी को छोड़ नहीं सकते, यू कैन नॉट लीव एनी अदर ड्रामा. रीजन कि पैरा क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. इन दैट केस यू गाइस हैव टू डू, यू हैव टू राइट द परफेक्ट आंसर. वो तब होगा जब हमने सारे ड्रामा किए होंगे. सो गाइस दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. लेट्स स्टार्ट द क्लास. कुछ चीजें डिस्कस करते हैं. पहले ये होता क्या है, व्हाट डज मीन एनोटेशन. लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एनोटेशन, हाउ टू वर्क आउट दिस. और मेरी वीडियो अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, यू गाइस नो दैट आई ऑलवेज टेल कि यार आपको कोटेशंस याद होंगी. द कोटेशन बेसिकली नॉर्मली कोटेशन होती है जो कोट करते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स. ब्रिटिश ड्रामा में कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं. एज आई टोल्ड यू अर्लियर गाइस, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू प्ले. जब किसी कैरेक्टर को जीता है तो उसके कैरेक्टर्स के थॉट्स, बेसिकली उसने जो कोटेशन दी है, जो कोट्स है, उनको याद कर लेना. And that course is annotation. यही होता है annotation. अब इसको मैं जोड़ता हूं आपके MEG 1 British Poetry के साथ, जिसमें आप बोलते हो सर RTC होती. Somehow it's a form of RTC in form of drama. Drama के अंदर RTC बोलते हैं annotation को, जहां पे हमें statement दे दिया, जिस statement को किसने बोला, कहां बोला, writer कौन था, कौन सा play था, उसके बारे में बताना है. And then give the explanation. तो इसके तीन पार्ट होते हैं नॉर्मली अगर हम बात करते हैं. द फर्स्ट इज द रेफरेंस, सेकंड वी आर हैविंग द कॉन्टेस्ट, एंड देन एक्सप्लेनेशन. या इसको आप कमेंट कहते हैं. ये तीन पार्ट होते हैं इस आंसर में हमें करने होते हैं. एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में कंफर्म आ रहा है. कुछ ही बदल सकता है, ये क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है एमईजी वन में. इसको आप लोग पहले क्लियर करें. यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, हमें हर चीज आनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन करते हैं. तो ऐसा करते हैं, अगर आपने दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं, लोग जो जून या जिन्होंने जून में दे रहे थे, जो आप अगस्त लास्ट या सेप्टेंबर में देंगे, तो गाइस उसके लिए तैयारी कितनी है देख लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट, आई हिट अ बो ऑन अ रिज ऑफ हिज स्पियर, लेट हिम स्ट्रेच्ड आउट and he split to the knob of his gullet. I repeat the statement, इसको दोबारा सुनेंगे. I really want to know कि किस किस को आता था. तो please comment box में जवाब जरूर देना कि सर हमें कितनी annotation आती थी. ये annotation हमारी perfect थी, पहली बार में पता लगी थी. मैं सारे आंसर दूंगा definitely, लेकिन पहले आपको please check करना कि आपको कितनी आती है. I repeat the statement. I hit a blow on the ridge of his skull, let him stretch out, and he split the knob of the gullet. The first one. And the second one we are having, what am I fit for? I repeat, what am I fit for? What have you left me fit for? Where am I to go? And then the third one we are having, it is novel humor. I repeat, it is novel humor. But this form was not intended to so dark a use. Then come to the last one, homo views. I In should I fly, if on to God, he will throw me down to hell. So, ये चार annotation आपको दे देगी. इन चार annotation में हमें कितनी आती. The first question that comes to mind कि यार ये मुझे आती है नहीं आती. तो इसको कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, किन basic concept को follow करना है. तो देखते हैं, let's start from the beginning. I hit a bow on a ridge of his skull, let him stretch out, and he split to the knob of his gullet. So this is from the Playboy of the Western World. The Playboy of the Western World. So याद हो ऋषि मोहन, yes you must know. उसके father old मोहन. अब यहाँ पे यो आके कहानी बताता है, झूठी कहानी बताता कि he had killed his father and become a hero of that area. तो यहाँ पे हम going to start. First I need to mention that above statement has been taken from the Playboy of the Western World by Jameson. तो ये लिखना जरूरी है. Is it important? Yes, this is very important. And remember that you know the name of the writers. यहाँ ये जरूरी है. तो एक दिन के कुछ 15-20 मिनट लगाओ, राइटर्स के नाम नोट कर लो. जनरली पेपर में आता क्वेश्चन.
आपको टेस्ट पता होना चाहिए। टेस्ट हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी एनोटेशन के लिए आपके पास कोटेशन होनी चाहिए जो मेरे नोट्स में आपको मिलती है। तो आपने कहा सर रेफरेंस द फर्स्ट वन दैट कम्स विद रेफरेंस, अब उस रेफरेंस में हमें कितनी चीजों को क्लियर करना है, कौन से टॉपिक्स जो बार बार रिलेवेंट करते हैं हम उनको टिप करना है। तो पहला तो आपने रेफरेंस दे दी, अब आ गया सेकंड कॉन्टेक्स्ट। सही बात जो चल रही थी जब मैंने बताया दैट इट इज द स्टेटमेंट दैट ही कोटेड व्हाइल डिस्क्राइबिंग व्हाट हैड हैपेंड, उसने बताया था कि ये हुआ था मेरे फादर से, उन्होंने उसको मारा और उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन पे। अब यहां राइटर ने क्या बोला या उसके कॉन्सेप्ट क्या थे, किन चीजों को आपको एक्सप्लेन करना था, वो सारी चीज आप यहां मेंशन करते हैं। दैट ऑल कम इन एक्सप्लेनेशन, थ्री थिंग्स कम ऑल टूगेदर, वन बाय वन वी गोइंग टू एक्सप्लेन। तो तसल्ली से क्लियर करो, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, 100% पेपर में आना है, हमें पता ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इट्स बेटर टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन सीरियसली। अगर हम प्रिपरेशन कर लेते हैं तो हमारे लिए बेटर रहेगा ताकि हम एग्जाम में बहुत इजीली डील कर पाए। कम अप टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट एम आई फिट फॉर। अगर आपने ये टेस्ट पढ़ा है तो आपको ऑन टिप हो जाएगा सिर्फ फर्स्ट रीडिंग से। व्हाट एम आई फिट फॉर, व्हाट हैव यू लेफ्ट मी फिट फॉर, वेयर एम आई टू गो। इट इज पिग्मेलियन, सर पिग्मेलियन बर्नार्ड शॉ, मैंने पिग्मेलियन फ्रॉम बर्नार्ड शॉ, वेयर द गर्ल मेनी क्वेश्चंस to Professor Hinges. If you can go through by the storyline, this is a really good story jahan pe har cheez ko depict kiya gaya, how he transformed the girl from a not I must say the village girl, but she was somehow being different, it changed her entirely and she fell in love with him. Par uske baad hua kya, kya changes hai, kin cheezon ko highlight kiya, wo sari cheeze aapko on demand ki That really works. उसके कॉन्सेप्ट को समझना आपने। तो यहाँ पे रेफरेंस आपको पता, आपने रेफरेंस दे दी, उसके बाद उस कॉन्टेक्स्ट को बताएंगे जहां वो क्वेश्चन कर रही थी, मैं शी गेट टू नो कि ये सिर्फ एक बेड थी जिसमें उसको पूरा चेंज किया गया और उस बेड के बदले पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन दी गई। अब वो क्या करे, वॉट शी इज गोइंग टू डू नाउ, दैट इज द क्वेश्चन। दैट ऑल कम्स इन एक्सप्लेनेशन एंड देन कम टू द थर्ड पॉइंट, दिस वन इज गुड वन। It is a novel humor, but this form was not intended to so dark a use from where this will be taken. The Alchemist. I must say that you guys have read this, The Alchemist by Ben Jonson. अब आपने Ben Jonson Alchemist को definitely हम नहीं छोड़ेंगे, उसको पढ़ना जरूरी है। सर basically चार characters की पूरी story, पांचों characters सिर्फ आया और गया, कुछ role नहीं है उसका। अब यहाँ पे मैं स्टोरी लाइन नहीं बता रहा, डेफिनेट स्टोरी लाइन के लिए आपके पास मेरी वीडियोस हैं ऑलरेडी। आई होप कि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा जिनमें पहली बार आए, तो गाइस आप सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें एनोटेशन के कॉन्सेप्ट को प्लीज ध्यान देंगे आप। एंड दोज हु हैव नोट्स प्लीज चेक आउट कि आपने इस साइज को फॉलो किए और मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर दिए हुए नोट्स में जो एग्जाम में आने वाले, आप उनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेंगे। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आएंगे, आई ट्राई टू हेल्प आउट एज सून एज पॉसिबल। Let's come to next one. तो यहाँ पे reference आपने क्या देखा था, The Alchemist by Ben Jonson, उसके concept क्या है, किन चीजों बात कर रहे हैं? They are talking about the event that has been taking place. फिर उनकी explanation एक-एक चीज को explain करना detail में. You can see the comment box. And then come to the last one. Home of yours will, in should I fly? If unto God he will throw me down to hell. So this is the masterpiece, yes, the masterpiece, Dr. Faustus by none other than Christopher Marlowe. And this tells about the state of the dilemma of Dr. Faustus. He was unable to give answers to his own questions. Un cheezon ko highlight karein, he was been trying to mention that what am I doing or what will my fate. उस कॉन्सेप्ट को पूरा एक्सप्लेन करना है। यस यू नीड नॉट टू राइट अ समरी इन दिस आंसर्स, मेक श्योर आपने समरी नहीं लिखनी है कहीं भी, अगर समरी लिखोगे तो डेफिनेटली मार्क्स कट जाएंगे। तो दो तीन चीजें हमेशा दिमाग में होनी चाहिए, दैट हमें कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, आंसर लिखने का तरीका क्या होगा और क्या है बेस्ट वे ताकि हम हर चीज को बहुत इजिली डील कर पाए। सो दीज आर थिंग्स जिनको आपको दिमाग में रखना है। अब आ गया सर व्हाट अबाउट द एग्जामिनेशन, दिमाग के रोज चल रहा है कि सर एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, कई सोच नहीं होंगे कई सोच होंगे। मैंने पहले बोला था यार इग्नो के चांसेस बहुत कम है कि एग्जाम्स ना हो, क्योंकि ये अभी नहीं लेंगे तो दिसंबर ले लेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप जो फीस पे किया उसको वहां एडजस्ट कर देंगे, आप दिसंबर एग्जाम तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इनको। तो इस यूनिवर्सिटी के मामले में मैं बिल्कुल
ज्यादा नहीं कहूंगा, चांस लग जाए शायद हो जाए, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन पूरी रखो कि एग्जाम्स होने हैं, गाइडलाइंस भी मिल चुकी हैं, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपने एग्जाम्स क्लियर कर देंगे, अगस्त में एग्जाम देंगे, तो यहाँ सितंबर लास्ट और अक्टूबर मे बी इन दिसंबर यू गोइंग टू हैव योर एग्जाम्स। सो गाइस टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। फॉर मोर इन्फो यू कैन कॉन्टेक्ट कमेंट और सब्सक्राइब सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोज। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय गाइस।